इसी योहन्ना को सबसे पहले खौलते हुए कढ़ाव में डाला गया था। खौलते हुए तेल का जो कढ़ाव था उसे खूब खौलाया गया और जब वो खूब उबलने लगा तो उसको जो है उसके अंदर डाल दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के में हम दूसरे भाग में हैं जहां 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखा है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 8 वचन में, जहां लिखा है कि जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, और वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इसके बारे में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से पिछले संदेश में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 9 पद से में, कि 9 पद में इस प्रकार से लिखा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 9 पद में, मैं योहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। अब यहाँ पर जो है इस वचन में कई बातें, पद एक है, छोटी सी बात है, छोटा सा पद है लगता है हमें, मगर इसमें बहुत सी बातें हैं। सबसे पहली बात है मैं योहन्ना, दूसरा है तुम्हारा भाई, तीसरा है यीशु के कलेश, चौथा है यीशु के राज, पांचवा है यीशु के धीरज, छठा है परमेश्वर के वचन, सातवां है यीशु की गवाही और आठवां है पतमुस टापू। अर्थात यहां पर क्या है, यहां पर जब हम इन भागों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैं योहन्ना, योहन्ना का परिचय, तुम्हारा भाई, प्रभु में हम सब भाई हैं, यीशु के कलेश, यीशु के लिए कलेश सहना, यीशु के राज यानी यीशु का राज क्या है, यीशु के धीरज यानी धीरज क्यों जरूरी है, परमेश्वर के वचन यानी परमेश्वर के को समझने का क्या मापदंड है, परमेश्वर के वचन को समझने का क्या मापदंड है, यीशु की गवाही यानी यीशु की गवाही क्या है, पतमुस टापू यानी दंड का स्थान, प्रकाशित वाक्य लिखने के लिखने और देखने और समझने का स्थान है जो योहन्ना को दिया गया। यहां पर सबसे पहले वो कहता है मैं योहन्ना। मैं योहन्ना का मतलब क्या है, वो अपना परिचय देना चाहता है कि मैं योहन्ना कौन। योहन्ना, योहन्ना तो बाइबल में कई हुए हैं, परंतु यहां पर जिस योहन्ना की बात हो रही है ये वो योहन्ना जो यीशु मसीह के 12 चेलों में गिना गया। ये योहन्ना सबसे छोटा था, सबसे छोटा, और इसी योहन्ना ने जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है। इसी योहन्ना ने जो है 3 पत्रियां लिखी हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, ये योहन्ना जो है 6 BC में पैदा हुआ था और 100 AD में वह लगभग 105 वर्ष का होकर अपनी मौत मारा गया था। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि सैनेड्रिन की महासभा का ये एक सदस्य भी था, और यही योहन्ना जो मरकुस कहलाता था। जी हाँ, यहाँ इस योहन्ना की जो बात है, ये मरकुस कहलाता था, और इस योहन्ना ने पौलुस और बनावस के साथ जो है मिशनरी यात्राएं भी की, जहाँ उसने प्रभु की सेवकाई को और प्रभु के वचन को फैलाने में इनकी मदद करी है। यहाँ पर जो, और ये वो योहन्ना है जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो था तो उसने मरियम से कहा था कि आज से ये तेरा बेटा है, और योहन्ना से कहा था कि आज से ये तेरी माँ है। उसी दिन से योहन्ना मरियम को अपने यहाँ ले आया और उसका माँ की तरह देखभाल करने लगा और उसका पालन पोषण करने लगा। ये योहन्ना का जो परिचय है, ये योहन्ना का परिचय, वो कहता तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई का मतलब क्या है कि जब आप मत्ती 23 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। वहां पर वो यही संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश योहन्ना को दिया था, वो यही संदेश अपने भाइयों को देना चाहता है, उन लोगों को देना चाहता है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। वो इस बात को समझ लें कि हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम सब आपस में भाई हैं, हमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे आज जो है बहुत से लोगों ने अपने चर्च, अपने मिशन, अपनी संस्थाएं बनाकर अपने अपने सारी चीजों को अलग कर लिया है और वो अपने आप को अलग दर्शाते हैं, और ये हर एक जन यही कोशिश में लगा रहता है, नहीं हम सच्चे प्रभु के लोग हैं और हम ही सच्चाई के साथ प्रचार कर रहे हैं, हम ही स्वर्ग में उठाए जाएंगे और दूसरे कोई नहीं उठाया जाएगा। ये चीज जो है बहुत गलत है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का कहलाता है और जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया,
वो जितने भी इस तरीके से कार्य किए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ है और अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, आप चाहे किसी भी मिशन को क्यों ना मानते हो, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, मगर अगर यदि आप प्रभु में सच्चाई के साथ हैं तो आप प्रभु में, हम सब भाई हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखने की बात है। फिर है यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, यीशु के कलेश। यीशु के कलेश में क्या है, वो यूहन्ना जो था वो बताना चाहता है कि जैसे प्रथम शताब्दी में जो लोग थे प्रभु के, जो कलीसिया के लोग थे, जो चेले थे, वो सब क्या थे, वो सब सताए गए थे रोमी राज्य में, और रोमी सम्राट के द्वारा, रोमी राजाओं के द्वारा जो थे, और यहूदी और फरीसियों के द्वारा भी जो थे वो सताए गए थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा कलेश किया गया था। वो कहता कि मैं उस कलेश का भागीदार हूँ, और ये बात सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसी यूहन्ना को सबसे पहले खोलते हुए कढ़ाव में डाला गया था। खोलते हुए तेल का जो कढ़ाव था उसे खूब खोलाया गया, और जब वो खूब उबलने लगा तो उसको जो है उसके अंदर डाल दिया गया। मगर परमेश्वर जो है महान है, वो अपने लोगों की रक्षा करता है। वहां जो एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ, बहुत अचंभित जो काम हुआ है, जो असंभव काम हुआ है, वो ये हुआ है कि उस कढ़ाव में यूहन्ना का एक बाल का भी नुकसान नहीं हुआ, और वो बिल्कुल ऐसे ही निकल आया जैसा वो तेल में डाले जाने से पहले था, वैसे था। उसके ऊपर जरा सी आँच नहीं आई, कोई खरोच नहीं आया, जलने का निशान नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आई। अब बताइए, ये महान आश्चर्यकर्म जो था वहाँ पर देखने को मिला, ये असंभव कार्य जो है ये देखने को मिला, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, असंभव को संभव करने वाला है, कि उसने जो था ये ऐसा कार्य किया है, सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर यूहन्ना को जो है पास्मोस टापू पर जो है उसको कैद में डाल दिया गया। वहां पर परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और आप जानते हैं 34 एडी के अंदर जब आप बात करेंगे, 34 एडी की बात करेंगे, तो पौलुस जो था, पौलुस भी क्या कर रहा था, पौलुस भी मसीही लोगों को मारता था, पीटता था, उन्हें पकड़वा कर जेलखाने में डाल देता था। ये पौलुस को प्रभु का दर्शन देने से पहले की बात है, मगर जब प्रभु ने पौलुस को पकड़ा और अपना दर्शन दिया, तब पौलुस ने ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया, बल्कि वो खुद जो था प्रभु के लिए उन कलेशों का भागीदार हो गया, और उसे भी लगभग 67 एडी में रोम के अंदर जो है उसको मार डाला गया, उसको तलवार से जो है उसका सर अलग कर दिया गया था, धड़ से अलग कर दिया गया था। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को, और जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो इस बात को बताता है। चौथा है यीशु का राज। यीशु के राज के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना 18 अध्याय उसके 36 पद में एक बात लिखी हुई है। यहाँ कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण, और यहाँ लिखा है कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। वो कहता है कि मैं उस कलेश में भी सहभागी हूँ और परमेश्वर के राज का भी मैं सहभागी हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी बात बता रहा है यूहन्ना, जो अपने कह रहा है, जैसे तुम लोग सहभागी हो परमेश्वर के राज के, और ऐसे ही मैं भी सहभागी हूँ। और वो परमेश्वर के कौन से राज की बात कर रहा है, वो यहाँ पर बात कर रहा है कि यीशु मसीह कहता ना, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज ऊपर का है, यानी स्वर्ग का राज है, वो स्वर्ग के राज की बात कर रहा है। और जब यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू करा, जब उसने 27 एडी में 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, और उसके बाद 40 दिन 40 रात तक भूखा रहा, उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा में जब वो खरा निकला, और परीक्षा करने के बाद जब वो आया, तब वो उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, और जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करी तो सबसे पहला संदेश उसका यही था कि परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर के राज की बात करता है, तो वो यूहन्ना कह रहा है कि जैसे तुम लोग परमेश्वर के राज के भागी हो, ऐसे ही मैं भी परमेश्वर के राज का जो हूँ भागी हूँ, मैं भी परमेश्वर के राज का सहभागी हूँ। और ये बात सही है कि हम सब जितने भी हम भाई लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र भी कहलाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई भी कहलाए जाते हैं, तो हम लोग सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह के राज के भागीदार हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। यहाँ यूहन्ना जो है इस बात को कहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कहता है,
कि यीशु का धीरज, देखिए अब यहां पर वो कहता है कि यीशु का धीरज जो है, यानी उस धीरज का सहभागी है। अब वो धीरज किसने सिखाया? धीरज धरना जो है उसने यीशु मसीह से सीखा है। इसलिए यहां पर जो पॉइंट हमने डाला है वो डाला है यीशु का धीरज। देखिए यीशु का धीरज कितना था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो बुराई उसके मुंह पर की जाती थी वो बुराई नहीं बोलता था, वो किसी के विरोध में कोई बात नहीं करता था, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती थी। और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सहली और उसने उफ तक नहीं किया, यानी उसने सारी बातों को, सारे कलेशों को बड़े धीरज के साथ सह लिया। और यूहन्ना यहां पर यही बताना चाहता है यीशु मसीह का वही धीरज जो है वो हमें होना चाहिए, क्योंकि हम किस धीरज के सहभागी हैं? जो धीरज यीशु मसीह में था उस धीरज के सहभागी हैं। जी हाँ, हमें जो है किस धीरज के सहभागी बनना है? उस धीरज के जो यीशु मसीह में होता है या जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जब आप पढ़ेंगे गलतियों 5 अध्याय उसका 22 पद में क्या लिखा हुआ है कि आत्मा का जो फल है, देखिए आत्मा के 9 फल हैं, उन 9 फलों को जब आप पढ़ेंगे तो उन 9 फलों के बीच में आपको मिलेगा धीरज। धीरज एक फल है जो आत्मा का फल है। और आत्मा कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। यानी परमेश्वर का वो धीरज रूपी फल हमारे जीवन में, वो कहता है उस धीरज का मैं सहभागी हूँ। यानी परमेश्वर के उस फल का, परमेश्वर की उस आत्मा का वो सहभागी अपने आप को कह रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, पद 9 है और हम लोग सोचते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। इसलिए मैं कहता हूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप बड़े धीरज के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ें, सुने और समझें, जल्दीबाजी नहीं करें। यदि आप जल्दीबाजी करेंगे तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप नहीं समझ पाएंगे और उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। और ये होगा कि जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश किस तरीके से करना है, हमें प्रवेश कराने के बारे में बताती है, तो हम शायद प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर हम धीरज के साथ उसको नहीं समझेंगे। आप जानते हैं धीरज का प्रतिफल क्या है? याकूब 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब धीरज को अपना काम कैसे करने दे, क्योंकि धीरज है क्या? देखिए मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि धीरज को, यहां पर याकूब कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। धीरज है क्या? वही बताया कि धीरज जो है आत्मा का फल है। इसका मतलब क्या है? जब धीरज आत्मा का फल है तो आत्मा को उस धीरज के साथ हमें काम करने दे अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर। जब उस आत्मा के द्वारा जो है धीरज हमारे जीवन में काम करता है, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स क्या है और परमेश्वर की आशीष जो है वो किस तरीके से हमें प्राप्त होती है। और इसलिए वो कहता है ताकि हम जो है पूरे और सिद्ध होते जाएं और किसी भी बात की हमें जो है वो घटी ना रहे। परमेश्वर जो है इस बात की तसल्ली जो है वो हमें देता है। 6ठा यहाँ पॉइंट है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, यहाँ देखिए वो किसके कारण, ये परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण कहाँ पर है? पसमोस टापू पर है। देखिए परमेश्वर के वचन की, यानी परमेश्वर के वचन का क्या, जो सही बात है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो लोगों पर प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और इस कारण जो फरीसी और यहूदी जो थे वो जलन और कुड़न रखते थे, और यही कारण था यीशु मसीह भी वचन के मुताबिक बात करता था कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, तुम ऐसा कहते हो, ऐसी बात नहीं है। वो लोगों को समझाता था कि वचन में क्या है। और देखिए हमारा जीवन जो है किस पर आधारित है? हमारा जीवन आश्चर्यकर्म, अद्भुत कामों और इन चीजों पर नहीं, वचन पर आधारित है। क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर का वचन एक आग है, और वो आग जब हमें प्रज्वलित होती है, जब जलती है, तो वो आश्चर्यकर्म और अद्भुत काम अपने आप उत्पन्न होते हैं परमेश्वर के, जो वचन के द्वारा है। तो वचन क्या है कि वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वचन के कारण कहां पर है? पास्मोर टापू पर यातनाओं को सह रहा है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि वो पास्मोर टापू पर यातना सह रहा है। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को इजी बना दिया। जहां कठिनाइयां हैं, जहां भूख प्यास है, जहां पानी नहीं है, चारों तरफ खारा पानी है उस पास्मोर टापू पर जहां पर उसे रखा गया था, और वहां पर कोई जीवन नहीं है, वहां पर उसको जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। और एक ऐसा जीवन दे रहा है, जिस वचन की रुकावट लोग डाल रहे थे
वो वचन जो है वो अलग तरीके से उसे दर्शाया जा रहा है कि आने वाले समय का में वचन जो है किस तरीके से पूरा हो रहा है, आने वाले समय में परमेश्वर की क्या क्या बातें पूरी होंगी, आने वाले समय में परमेश्वर कैसे कार्य करेगा, आने वाले समय में परमेश्वर इस पृथ्वी का जो कैसे नाश करेगा, आने वाले समय में नई पृथ्वी, नया आकाश, नए यरूशलेम कैसे स्थापित होगा, आने वाले समय में प्रभु कैसे आएगा, आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह कैसे न्याय करेगा, आने वाले समय में प्रभु अपने लोगों को कैसे अपने राज में प्रवेश कराएगा। ये सारी बातें जो हैं बड़े अद्भुत तरीके, जिस वचन को लोग रोक रहे थे, कलेश कर रहे थे उसको, और उसी वचन के कारण उसको पासमोर टापू पे डाल दिया गया, मगर उसी जिस वचन के कारण डाला गया था उससे भी और उत्तम और खरा और अद्भुत और अनोखा वचन देखने को मिला। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसको हम बात करते हैं यहाँ पर है, सातवां पॉइंट है यीशु की गवाही। देखिए हमने क्या कहा था, यीशु की गवाही। अब यीशु की गवाही के बारे में जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 9 पद में, यानी कहा है जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण जो उन्हें दी गई थी वध किए गए थे। देखिए अब क्या है, वध होने का जो समय है वो किन दो चीजों पर आधारित है, पहली चीज परमेश्वर के वचन पर और दूसरी चीज यीशु मसीह की गवाही पर। यानी परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है हमें वैसे ही बात करनी है, हमें इधर उधर हटके बात नहीं करनी है। यानी परमेश्वर के वचन की सच्चाई के कारण और उसकी सच्चाई को फैलाने के कारण चाहे हमें नाश हो जाना पड़े तब भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और यीशु मसीह की गवाही जो है, नहीं यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही आने वाला है, हम यीशु मसीह के लोग हैं, आप हमें मार दो कोई बात नहीं। तो ये यीशु मसीह की गवाही है जब हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ लीजिएगा आप, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। देखिए आप जो यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, देखिए गवाही मैंने पहले भी आपको बताया कि गवाही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। गवाही ये नहीं है कि अरे आज मैं चर्च जाने की सोच रहा था, मुझे बुखार चढ़ गया, मेरे सर में दर्द होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, मैं प्रभु से दुआ करने लगा या करने लगी कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगा, और मुझे ये होने लगा, मुझे वो शैतान रोक रहा था, वो ये सब बातें नहीं है। देखिए क्या है यीशु की गवाही, क्या भविष्यवाणी की आत्मा है। आप एक भविष्यवक्ता के स्थान पर रहते हैं, आप जब यीशु मसीह की गवाही देते हैं, गवाही किस चीज से देने की, परमेश्वर के वचन का, यानी वो परमेश्वर का वचन दिखाई देना चाहिए, यीशु का वो वचन हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए और यीशु का वचन जो है हमें वो सुनाना चाहिए लोगों को, वो बताना चाहिए कि सत्य क्या है, क्योंकि वचन के ही द्वारा जो है हमारा न्याय होगा और लोगों का बचाव होगा। और जब वचन हमारे अंदर दिखाई देता है तो हम यीशु मसीह की भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह जो आने वाला है, जो शीघ्र आने वाला है, वो यही वचन है। और इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं और भविष्यवाणी की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर भविष्यवाणी की आत्मा में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर लिखा ना, मैं किन दो कारण से था, वो बताता है कि दो कारण कौन से थे, एक तो वचन के द्वारा और एक यीशु मसीह की गवाही के द्वारा। कहाँ पर है वो, पसमोर टापू पर है। ध्यान दीजिएगा, पसमोर टापू जो है एजियन सागर का एक वंजर ज्वालामुखी द्वीप है, ये एक यूनानी द्वीप है और ये समुन्द्र तल से 269 मीटर जो है और 883 फिट ऊंचाई पर है। यूनान की जो पुरानी कथाएं हैं जब आप उनको पढ़ेंगे, इस द्वीप का जो मूल नाम था लेटुइस नामक देवी के नाम पर रखा गया था। लेटुइस जो था वो लेटो नामक देवता की बेटी थी, ठीक है। यहाँ जो हिस्ट्री मतलब जो बताती है, पासमोर टापू एशिया में स्थित है और एशिया में 48 देश हैं। इन 48 देशों में जो है तुर्की देश जो है, तुर्की में जो है पासमोर टापू जो है वो स्थित है, तुर्की के पश्चिम तट पर और एशिया महाद्वीप के पास जो है ये पासमोर टापू जो है वो स्थित है। मगर एक बात ध्यान रखें कि तुर्की का आधा भाग जो है एशिया में है और आधा भाग यूरोप में है। एशियाई वाला जो भाग है वो अनातोलिया कहलाता है और यूरोप वाला भाग जो है वो थ्रेस कहलाया जाता है। 64 से लेकर 67 AD में जब राजा नेरो था उसने क्या करा, उसने रोम में आग लगाई
और वो जलता हुआ रोम देखना चाहता था और उस पर कविता लिखना चाहता था। उसने रोम पर आग लगाई और जब बहुत हाहाकार मच गया तो उसने ये सारा कलेश, ये सारी बात किस पे थोप दी? मसीही लोगों पे थोप दी। और मसीही लोगों को क्या करने लगा? पकड़ पकड़ के मार डाला गया, उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया गया, उन्हें जंगली जानवरों के बीच में, शेरों के बीच में छोड़ दिया गया। तो ये सारी जो बातें हैं ये उसमें हुई है। और इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ इस पद को, जो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 9 पद है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। देखिए, 3 चीजों में वो बात करता है, कलेश, राज और धीरज में क्या है? तुम्हारा सहभागी। जैसे तुम इन तीनों चीजों में, तीनों बातों में सहभागी हो, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा भाई हूं, मैं यूहन्ना हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भी इन 3 बातों में जो हूं सहभागी हूं, इनका राजदार हूं और इनमें प्रवेश करा है मैंने भी। और दूसरी बात कहता है, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पासमोर टापू में था और वहां पर परमेश्वर उसे दर्शन देता है, ये सारी बात कहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर ये पद हमें यही चीज दिखाता है कि हमें भी चाहे परमेश्वर के लिए कलेश हो, चाहे परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाली बात हो, चाहे परमेश्वर के धीरज वाली बात हो, हमें इनमें सहभागी पहले होना है। दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह की गवाही के लिए यदि जान जोखिम में डालनी पड़े या जान देनी भी पड़े तो बशर्त दीजिए, क्योंकि ये जीवन जो है एक ना एक दिन तो मरना ही है, और एक इस जीवन के बाद जो है बहुतायत का जीवन रखा है जो यीशु मसीह के राज में मिलेगा, जो यीशु मसीह के साथ मिलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।